और आपको बता दें यहां पर राणा गुरजीत सिंह के नाम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल गुरजीत सिंह को मंत्री बनाने पर विवाद गहरा गया है। कई विधायकों ने सिद्धू से मिलकर उनको मंत्री न बनाने की मांग भी कर डाली है। राणा गुरजीत पर माइनिंग के एक मामले में दरअसल भ्रष्टाचार के आरोप है। विधायकों का आरोप है राणा गुरजीत को किसी कोर्ट या जांच एजेंसी से क्लीन चिट नहीं मिली है, फिर भी कैबिनेट में शामिल आखिर क्यों किया जा रहा है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। राणा गुरजीत सिंह को आखिर कैबिनेट में क्यों शामिल किया जा रहा है, और इसलिए कहा जा रहा है कि इनको हटाइए। शपथ ग्रहण से पहले दरअसल ये विवाद गहरा गया है। आप देखिए 4:30 बजे का ही वक्त था जब शपथ ग्रहण होना था। हालांकि इस पर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि इस बाबत सोचा भी जाएगा या फिर इस पर वाकई में कोई फेरबदल देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आपको बता दें कि कुल मिलाकर के 7 नए चेहरे जो कि आज मंत्री बन रहे हैं, 8 वो चेहरे हैं जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में मंत्री पद पर रहे थे, उनको भी शामिल किया जा रहा है। कुल मिलाकर के 15 चेहरे जो कि आज शपथ ग्रहण करेंगे। और थोड़ी देर में आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन उससे पहले जैसा हम आपको बता रहे हैं विवाद उठ खड़ा हुआ है कि माइनिंग के एक मामले को लेकर राणा रंजीत सिंह पर वैसे ही आरोप है, उनको किसी भी जांच एजेंसी से क्लीन चिट नहीं मिली है, तो फिर उनको मंत्रिमंडल में कैसे शामिल किया जा रहा है। बहरहाल बड़ी जानकारी ये कुल मिलाकर के 15 चेहरे जो कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होंगे, जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, और इनमें जो चेहरे शामिल होंगे लगभग वो तय होकर सामने आ भी चुके हैं। 8 आपको बता दें, 8 ऐसे चेहरे हैं, पुराने चेहरे जो कैबिनेट में शामिल रहे थे यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में शामिल रहे थे, उनको भी शामिल किया गया है। 7 नए चेहरों को मौका दिया गया है, तो 8 और 7 कुल मिलाकर के ये 15 चेहरे जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। बड़ी बात यह भी कि 5 ऐसे चेहरे भी जो मंत्री थे लेकिन उनकी छुट्टी कर दी गई, जो कि कैप्टन के काफी करीबी बताए गए थे और उनकी छुट्टी कर दी गई इस कैबिनेट विस्तार से पहले ही, और ऐसे में नए चेहरों को मौका दिया गया है। और वही जातीय समीकरण साधने की सबसे बड़ी कोशिश इसके तहत देखने को मिल रही है। इससे पहले आपको याद होगा लगातार 72 घंटों के भीतर 3 बार चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली पहुंचे थे और बहुत माथापच्ची करनी पड़ी इन चेहरों को डिसाइड करने के लिए कि आखिर किसको कमान सौंपी जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त देखिए अब बाकी नहीं रह गया है, और ऐसे में कम समय के भीतर कौन परफॉर्म कर सकता है। अब जातीय समीकरण के लिहाज से भी नामों को चयन करना था, और ऐसे में इन तमाम चीजों को देखते हुए काफी ज्यादा वक्त लग गया। लेकिन अब चेहरे सामने आ चुके हैं, ये तय हो गया है कौन कौन आज राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेगा। कुल मिलाकर के ये 15 नए मंत्री हैं जो कि शपथ लेंगे। हालांकि इस मंत्री मंडल विस्तार के पहले ही विवाद भी देखने को मिल रहा है, और आपको ये बता दें नए मंत्री जो बन रहे हैं इसमें राजकुमार बेरका, डॉक्टर राजकुमार बेरका कैप्टन के करीबी रहे, मंत्री पद नहीं मिला था पहले। हालांकि करीबी रहने के बावजूद अनुसूचित जाति के बड़े नेता माने जाते हैं, इनको इस बार मौका मिल रहा है। प्रगट सिंह है सिद्धू के करीबी, कैप्टन पर हमला बोलते रहे। खेल मंत्रालय इनको मिलना तय बताया जा रहा है, यहां तक इन्फॉर्मेशन ये भी सामने आ गई है। इसके अलावा संगत सिंह गिल जियान है, लगातार कहते रहे अनुसूचित जाति का सीएम बनाने के बाद ओबीसी को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए,